नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और वक्त हो गया है 4 सितंबर 2018 के करंट अफेयर्स का। पहला प्रश्न, लॉ कमीशन ने पुरुषों की शादी की उम्र कितने करने की सिफारिश केंद्र सरकार से की है, और इसके ऑप्शंस हैं 25 वर्ष, 22 वर्ष, 20 वर्ष और 18 वर्ष, और इसका सही आंसर है 18 वर्ष। विधि आयोग ने केंद्र सरकार को अपना ड्राफ्ट रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि महिलाएं और पुरुषों के लिए शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र समान 18 वर्ष होनी चाहिए। विधि आयोग ने कहा है कि वयस्कों के बीच शादी के अलग अलग उम्र की व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए। दूसरा प्रश्न, बाढ़ के बाद केरल में कौन सी संक्रामक बीमारी फैल गई है जिससे कुछ लोगों की मौत हो गई है, और इसके ऑप्शंस है रेड फीवर, मानसिक रोग, चेचक या इनमें से कोई नहीं, और इसका सही आंसर है रेड फीवर। दरअसल रेड फीवर संक्रामक पानी से फैलने वाली बीमारी है जिसका असली नाम लेप्सपायरोसिस है। यह चूहों जैसे अन्य जानवरों के संक्रामक होने के बाद उनके यूरिन से फैलती है। शरीर में दर्द और तेज बुखार रेड फीवर के लक्षणों में से एक है। केरल में बाढ़ की भयावहता कुछ कम होने के बाद रेड फीवर का आतंक फैला है। कॉमन एंटीबायोटिक्स से इसका इलाज संभव है। तीसरा प्रश्न, मूविंग फॉरवर्ड अ ईयर इन ऑफिस किताब किसने लिखी है, और इसके ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू या फिर नितिन गडकरी, और इसका सही आंसर है वेंकैया नायडू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पुस्तक को लॉन्च किया है। चौथा प्रश्न, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पद किसने संभाला है, और इसके ऑप्शंस हैं आर माधवन, पीवी सिंह, सुमेर परिहार, के माहेश्वरी, और इसका सही आंसर है आर माधवन, टी सुवर्ण राजू ते पहले। पांचवा प्रश्न, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2017-2018 में 8.46 टन सोना खरीदा, सोने के खरीद कितने साल बाद की गई, और इसके ऑप्शंस हैं 5 साल, 8 साल, 10 साल और 9 साल, और इसका सही ऑप्शन है 9 साल। आरबीआई की 2017-2018 की वार्षिक रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। आरबीआई ने इससे पहले नवंबर 2009 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 200 टन सोना खरीदा था। बैंक ऑफ चाइना और बाकी कई बैंकों की तरह आरबीआई सरकार सोना नहीं खरीदता, इसलिए इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल आरबीआई ने नहीं बताया है कि उसने सोना क्यों और कहां से खरीदा है। उसके पास 3 जून 2018 को 566.23 टन सोना था। छठा प्रश्न, आरबीआई के आदेश के अनुसार से अधिक शाखाओं वाले बैंकों को आंतरिक लोक प्रहारी नियुक्त करना होगा, इसके ऑप्शंस है 10 से अधिक, 20 से अधिक, 5 से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं, और इसका सही आंसर है 10 से अधिक। आरबीआई ने यह निर्देश 3 सितंबर को जारी किया है। रिजर्व बैंक ने आंतरिक लोक प्रहारी योजना बैंकों की आंतरिक शिकायत प्रणाली को मजबूत करने और ग्राहकों की शिकायतों का निपटान करने के लिए यह शुरू की है। हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इस आदेश से अलग रखा है। सातवां प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस सहकारी बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया, और इसके ऑप्शंस है सरस्वत सहकारी बैंक, बिलवाड़ा महिला शहरी सहकारी बैंक, नागपुर नागरिक सहकारी बैंक, अकोला शहरी सहकारी बैंक, और इसका सही ऑप्शन है बिलवाड़ा महिला शहरी सहकारी बैंक। बैंक में राशि अपर्याप्त थे और कमाई स्रोत भी अपर्याप्त थे। आठवां प्रश्न, नेपाल में भूकंप के 3 साल बाद पहली बार कौन सा प्रसिद्ध मंदिर आम जनता के लिए खोल दिया गया, और इसके ऑप्शंस है कृष्ण मंदिर, विष्णु मंदिर, ब्रह्मा मंदिर या फिर इनमें से कोई नहीं, और इसका सही आंसर है कृष्ण मंदिर।
सातवीं शताब्दी का यह मंदिर काठमांडू के ललितपुर नगर निकाय में स्थित है। यह मंदिर 3 मंजिला है और 21 शिखर है। 3 साल पहले भूकंप में यह क्षतिग्रस्त हो गया था। आपको पता ही होगा कि अप्रैल 2015 में आए इस भूकंप की तीव्रता 8.8 थी और इनमें 8,700 लोग मारे गए थे। 9वां प्रश्न, किस देश की संसद ने स्कूलों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने का कानून पास किया है? और इसके ऑप्शंस है इंग्लैंड, जर्मनी, यूएसए या फिर फ्रांस। और इसका सही ऑप्शन है फ्रांस। सरकार ने एक कानून पारित कर प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में समूचे दिन के लिए फोन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें ब्रेक की अवधि भी शामिल है। इस नियम से सिर्फ अपवाद स्वरूप आकस्मिक मामलों में और दिव्यांग बच्चों को छूट मिलेगी। 10वां प्रश्न, विश्व नारियल दिवस वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया जाता है? और इसके ऑप्शंस हैं 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर या फिर 4 सितंबर। और इसका सही आंसर है 2 सितंबर। इसी दिन 2009 में एशिया प्रशांत नारियल समुदाय APCC के गठन हुआ था और तभी से इस दिन विश्व नारियल दिवस यानी कि वर्ल्ड कोकोनट डे के रूप में मनाया जाता है।